अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशनल पैलेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल प्ले स्टोर के बारे में कि गूगल प्ले स्टोर को अपने लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन पर कैसे चलाया जा सकता है, या फिर अपने मोबाइल की तमाम फीचर्स, एंड्रॉयड मोबाइल की तमाम फीचर्स अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप पर चलाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी किस्म का जो मोबाइल फीचर्स जो हैं, या कोई भी मोबाइल का जो व्हाट्सएप है, मैसेंजर्स है, फेसबुक है, और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, ऐप्स जो हैं, अगर आप अपने पीसी की स्क्रीन पर चलाना चाहते हैं, अपने लैपटॉप में करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशनल पैलेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल इन्फॉर्मेशनल पैलेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन वाले बटन को, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए ये स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद आपने गूगल में लिखना है नॉक्स प्लेयर। नॉक्स प्लेयर लिखेंगे तो कुछ इस तरह की ऑप्शंस आपके सामने शो होंगी, फ्री एंड्रॉयड एमुलेटर ऑन पीसी एंड मैक डाउनलोड नॉक्स प्लेयर। तो आपने जो पहले वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद थोड़ी सी ब्राउजिंग होगी, और ब्राउजिंग होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद आप इसको अगर स्टार्ट में जाके चेक करेंगे तो इधर जाके अगर आप नॉक्स लिखें तो ये देखें नॉक्स, तो ये वाले सबसे ऊपर वाला जो है नॉक्स शो होना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह की इसकी जो स्क्रीन शो होगी, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, जिस तरह ये आपके सामने शो रहा है। अगर आप देखें तो इसमें मोबाइल जो फ़ोन जो है उसके तमाम जो फीचर्स हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखें अगर, तो ये वाले फीचर्स जो हैं ये मोबाइल फ़ोन की तमाम फीचर्स हैं। ये एप्पल फीचर है, ये होम है, ये इसको यानी कॉपी वाली ऑप्शन है। अगर आप इसको ऊपर देखें तो ब्राउज़र है, उसके बाद ये टूल्स हैं, ऐप्स है, फिर मैसेंजर है, गैलरी है, उसके बाद ऐप सेंटर है, देन अगर आप देखें तो टेस्टी टेबल है, व्हाट्सएप मैसेंजर है, मोबाइल, टिकटॉक, यूट्यूब, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मौजूद हैं। अगर आप देखें कर्सर की तरफ देख रहे हैं तो आपने सिंपली क्लिक करना है ऐप सेंटर पर। इसको मैं अभी क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है शो होगी, ये देखें अभी ये ब्राउजिंग हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम फीचर्स जो मोबाइल वाली जो हैं इधर आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, ईमो, फेसबुक, मैसेंजर्स, पब्स मोबाइल, ये तमाम वो फीचर्स हैं जो कि मोबाइल में होती हैं और आपको इधर भी दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप देखें तो मोबाइल में कुछ ये फीचर्स शो हो रहे हैं, ये देखें वॉल्यूम अप का बटन है, ये वॉल्यूम डाउन का है, इसे आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, और ये वाला बैक का बटन है, आप इसमें बैक भी जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर इधर भी पड़ा हुआ है इसमें, तो इन तमाम फीचर्स वो मौजूद हैं जो कि मोबाइल में होने चाहिए। तो मैं बैक ये देता हूँ, ये देखो मैंने बैक कर दिया, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आप भी जो है इसको डाउनलोड करके गूगल जो है प्ले स्टोर को अपने मोबाइल पर चला सकते हैं, और मोबाइल की तमाम एंड्रॉयड मोबाइल फीचर्स जो हैं अपने लैपटॉप पर चलाकर आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, टिकटॉक भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब भी चला सकते हैं, यानी कि जो भी मोबाइल में फीचर्स होती हैं आप इसमें कर सकते हैं। तो आप अगर व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप में जितने भी डाटा जो आप मोबाइल पर करते हैं वो सारा इधर शो होगा, आप इधर भी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पैलेस को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में जो है बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको मिलती रहे इस तरह की लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।